नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है LIC की सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जिसका टेबल नंबर है 817817। यह एक नॉन लिंक प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत दो बोनस मिलते हैं। पहला है वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। यह एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है, अर्थात इस पॉलिसी के अंतर्गत सिर्फ एक बार प्रीमियम का भुगतान करना है। दोस्तों, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी उनके लिए होती है जिनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए होता है। जैसे आपकी को इन्वेस्टमेंट पूरी होके आपको मिली हो, कोई रिटायर हुआ हो और वो अपने फैमिली मेंबर को कोई इन्वेस्टमेंट गिफ्ट करना चाहते हो, या किसी और सोर्स से पैसा आपके पास आया हो और आप उसको सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं, तो यह पॉलिसी आपके लिए है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए कंडीशंस के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है वह है 90 डेज, अर्थात यह पॉलिसी वैसे बच्चे जिनकी उम्र 90 दिन पूरी हो चुकी हो या उससे ऊपर हो उन्हें हम दे सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 ईयर्स, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स, मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स का है, अर्थात यह पॉलिसी आप 10 साल से लेकर 25 साल तक के पॉलिसी टर्म के लिए ले सकते हैं। मिनिमम सम इंश्योर्ड है वह है 50,000 और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है। 50,000 से ऊपर का सम इंश्योर्ड आप 5,000 के गुणक में ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दें कि यह पॉलिसी बच्चे के नाम पे भी ले सकते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत रिस्क कब अटैच होती है, अर्थात बच्चे की लाइफ की कवरेज कब से शुरू होती है। यदि बच्चे की एज 8 साल से ज्यादा है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क शुरू हो जाती है, लेकिन यदि बच्चे की एज 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद या बच्चे की एज 8 साल पूरे हो जाए, इन दोनों में से जो जल्दी होगा वहां से रिस्क शुरू हो जाएगी। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी के 3 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक जब चाहे अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके इसकी सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को सरेंडर करना एक एडवाइजेबल ऑप्शन नहीं है। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 3 वर्ष के प्रीमियम के भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। आइए इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर वर्मा, जिनकी आयु 30 वर्ष है, वो 10 लाख के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और 25 वर्ष के पॉलिसी पीरियड का चुनाव करते हैं, जिसका प्रीमियम 4,60,741 रुपये होगा। अब बात करते हैं पॉलिसी के मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी के रूप में सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए, साथ में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 12,75,000 और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000, टोटल 27,25,000 रुपए का भुगतान होगा। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में मैंने जो बोनस के रेट लिए हैं वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए करेंट ईयर के रेट हैं। आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी के टाइम पे LIC जो रेट डिक्लेयर करेगी उसके अनुसार आपके बोनस का भुगतान होगा। डेथ बेनिफिट, इस पॉलिसी को लेने के बाद मिस्टर वर्मा की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड अर्थात 10 लाख रुपए, उसके बाद वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। पॉलिसी जितने लंबे समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यदि पॉलिसी लेने के 16 इयर्स के बाद मिस्टर वर्मा की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड अर्थात 10 लाख रुपए, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 7,36,000 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 25,000 रुपए, टोटल 17,61,000 रुपए नॉमिनी को मिलेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान को फिक्स डिपॉजिट अर्थात FD से कंपेयर करने लगते हैं, तो आइए इसे हम FD से कंपेयर करके भी देख लेते हैं। यदि मिस्टर वर्मा
5 लाख का इन्वेस्टमेंट इस पॉलिसी में करते हैं तो उन्हें 10,90,000 रुपए का सम इंश्योर्ड मिलेगा और लगभग 29,70,000 रुपए मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे। यदि मिस्टर वर्मा इस 5 लाख की एफडी करेंगे, वर्तमान में उन्हें लगभग 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें 28,29,000 रुपए मिलेंगे। तो हम यहां कह सकते हैं कि मैच्योरिटी का अमाउंट लगभग लगभग सेम है, लेकिन मिस्टर वर्मा 10 साल से ज्यादा का एफडी नहीं करा सकते, तो 25 साल के टर्म को पूरा करने के लिए उन्हें 3 बार एफडी करना होगा, पहला और दूसरा 10 साल के लिए और तीसरा 5 साल के लिए, तो उनके 25 साल पूरे होंगे। पहले 10 साल के बाद उनके 5 लाख का एफडी का अमाउंट 10 लाख का हो जाएगा। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 साल के बाद क्या उन्हें 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा? शायद नहीं, शायद उन्हें 5% के आसपास का इंटरेस्ट रेट मिले। और उसके 10 साल के बाद इंटरेस्ट रेट क्या होगा? शायद 3.5 और 4% के आसपास। चलिए हम मान लेते हैं कि अगले 15 साल के लिए उन्हें एवरेज 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। शुरू में उन्होंने जो 5 लाख रुपए एफडी में डाले थे, 10 वर्ष बाद उन्हें 10 लाख रुपए मिले थे, उसके बाद उस अमाउंट को वह फिर से एफडी में डालते हैं और हम मान लेते हैं कि अगले 15 साल के लिए उनका एवरेज इंटरेस्ट रेट 5% का होगा, तो उनका 10 लाख रुपए अगले 15 साल में 21 लाख के रूप में बदल जाएंगे, अर्थात उन्हें मैच्योरिटी के रूप में टोटल 21 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं, यदि इसका चुनाव एफडी के रूप में करते हैं तो मैच्योरिटी के रूप में लगभग 21 लाख रुपए प्रैक्टिकली उनके हाथ में होंगे। यदि हम 25 साल के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें तो एफडी में रिटर्न कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस बीच मिस्टर वर्मा को कुछ हो गया तो एफडी के केस में फैमिली को कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हें एफडी मैच्योर होने का इंतजार करना पड़ेगा। जबकि इस पॉलिसी को लेने के बाद पूरे पॉलिसी पीरियड न सिर्फ मिस्टर वर्मा को ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है, बल्कि साथ ही साथ पूरे पॉलिसी पीरियड उनकी फैमिली के पास एक लाइफ इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन मिल रही है। और रही बात म्यूचुअल फंड की, तो सेफ इन्वेस्टमेंट और रिस्की इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज है। इसमें आपका 5 लाख 25 साल में 10 लाख 20 लाख या 50 लाख में भी कन्वर्ट हो सकता है, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस दोनों अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट हैं और दोनों की आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन दोनों का आपकी लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।